दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। दोस्तों भारत से दुबई के लिए आज से नॉर्मल फ्लाइटें शुरू कर दी गई है और जितने भी लोग दुबई वीज़ा रेजिडेंट हैं वो और दोस्तों इंडिया में काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं अब वह लोग दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था कि दुबई जाने वाली फ़्लाइट कब शुरू होगी। 24 अप्रैल 2020 से इंटरनेशनल फ़्लाइटें बंद होने के बाद काफ़ी सारे लोग इंडिया में फंसे हुए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद फ़्लाइटें शुरू हो चुकी है और अब भारत समेत कई देशों के लिए फ़्लाइटें शुरू हो गई हैं और जो लोग वैलिड वीज़ा वाले हैं वह लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी दुबई जाना हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज से नॉर्मल फ्लाइट शुरू कर दी गई है और अब भारत समेत 6 देशों की फ़्लाइट जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा से फ़्लाइटें शुरू किया जाएगा। दुबई जाने के लिए रेजिडेंट वीज़ा होल्डर ही जा सकते हैं और बिना वैक्सीन लगवाए ट्रैवल भी कर सकेंगे। वह केवल वैक्सीन लगवाने वाले पैसेंजरों के लिए ही स्टार्ट हुआ था जिन जिन लोगों ने यूएई में रहकर के वैक्सीन लगवाए थे उनके लिए चालू किया गया था, लेकिन आज से जो फ्लाइटें शुरू हुई है बिना वैक्सीन लगवाए हर यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अमीरात एयरलाइंस ने इसके बारे में आज कंफर्म किया है और अभी आप स्क्रीनशॉट देख ही रहे हैं जिसमें बताया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नॉन रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंट टू रिटर्न। और अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि जिसमें बताया है कि इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से जाने वाले लोगों के लिए अब वैक्सीन का रिक्वायरमेंट नहीं किया जा रहा है और अब बिना वैक्सीन लगवाए आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को देर बढ़ाए तो जो सब्सक्राइब कर घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा।